कर जाओ कुछ काम ऐसा कि पहचान बन जाए, राह चलो ऐसे कि पैरों के निशान बन जाए, जिंदगी जीता तो हर कोई है मगर जियो ऐसे कि तुम्हारी मिसाल बन जाए। स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस क्लास में जो है यहाँ पर अंतिम अंग्रेजी पेपर को जो यहाँ पर दिशा और दशा जो है देने वाले हैं, यानी अंतिम पेपर रहने वाला है आप सभी के लिए। आज आप सभी का पेपर है और इस पेपर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, अंतिम क्षणों की तैयारी है। अब आपके पास समय नहीं है कि आप जो है यहाँ पर पूरी बुक लेकर बैठे, गाइड लेकर बैठे या उसको पढ़े। अब आपके पास रिवाइज का समय और वही हम बात करने वाले हैं जो यहां पर हमारी जितनी भी क्लासें हुई है उनको जो मैंने करवाया है, और हमारी जो लास्ट वाली जो दो तीन क्लासें उनको जरूर एक बार जो है यहां पर देख कर जाना। वो कॉपी अभी तक नहीं देखी उन स्टूडेंट के लिए जो जल्दी से देख के जाइए। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो सब्सक्राइब यहाँ पर सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परहैप्स नो एनिमल ऑन अर्थ हैज एंजॉयड द काइंड ऑफ द पब्लिसिटी रिसीव्ड बाय द जियंट पांडा। तो यहाँ पर एक जो यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है जो कि एनिमल से रिलेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द एनिमल दैट हैज रिसीव्ड वाइडेस्ट पब्लिसिटी इज। तो यहाँ पर इसका जो है यहाँ पर अर्थ देख सकते हैं क्या हो जाएगा, जियंट पांडा। यानी पैसेज के आपके जो 27 मार्क्स से कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ पर पासिंग मार्क्स तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ऑफिशियली विद्यार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, यानी किन किन बातों का ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको क्या क्या ले जाना है, तो उसके लिए यहाँ पर संपूर्ण दिशा निर्देश को पढ़ने के लिए आपको विजिट करना है हमारी साइट rgstudymonitor.com, जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इस वेबसाइट को विजिट करके आरबीएससी के सेक्शन में आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2023 दसवीं बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश, यानी क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश रहने वाले, इनको यहां पर संपूर्ण यहां पर डिटेल यहां पर जान सकते हैं, ठीक है। यहां पर आज जो आपकी 16 मार्च 2023 गुरुवार से यहां पर परीक्षा शुरू हो चुकी है, और यहां पर आज सभी का फर्स्ट पेपर है अंग्रेजी का, और अंग्रेजी पेपर के लिए जितने भी दिशा निर्देश है या सभी के लिए दिशा निर्देश है, किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ क्या क्या ले जाना है, संपूर्ण जानकारी के लिए इस क्लास के बाद आपको विजिट करना है हमारी साइट rgstudymonitor.com। विजिट ना तो आ गए हैं, लेकिन हमें एडवांस में और अच्छे स्कोर करना है इंग्लिश में। हमारे जितने भी हमने क्लासे लिए उससे यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आपको घबराना नहीं है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, और आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम दिए। आसानी से आप आराम से जो है आपको एग्ज़ाम देना है, और 7 बजे के बाद जो है आपको इंग्लिश की जो सब्जेक्ट को हाथ भी नहीं लगाना, यानी पढ़ना नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से चुनाव से पहले क्या लगती है आचार संहिता लगती है, उसी प्रकार से आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले क्या लगानी है, सर संहिता लगानी है। यानी 2 घंटे आप फ्री माइंड जो है यहाँ पर घूमिए, कहीं टहलिए, जिससे आपका माइंड क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। आपको यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको अंतिम तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब जितना पढ़ा, जैसा पढ़ा, आपने जो मेहनत की है उसी के हिसाब से आपको परिणाम जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है पांडा हैज बीन फेमिलियर टू द चाइनीज फोर आवर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो अर्थ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4000 ईयर्स। तो यहाँ पर क्लियर है सी ऑप्शन, दिस इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनकी मेन वर्ड से जो है यहाँ पर इन आंसर को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट फॉर्म द पैसेज द सिमिलर वर्ड ऑफ द लाई डोरमेंट। ये जो लाई जो डोरमेंट है इसका सिमिलर जो वर्ड है वो यहाँ पर क्या होगा, तो लाई डोरमेंट का सिमिलर वर्ड क्या होगा, एक यहाँ पर दिया गया है एक्सक्लूड का, ठीक है। तो एक्सक्लूड का जो सिमिलर जो वर्ड है वो क्या होगा, तो एक्सक्लूड का वैसे अर्थ होता है वो होता है निकालना, ठीक है। तो या तो यहाँ पर इसका एक्सेप्ट होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया हुआ होगा या तो एक्सेप्ट दिया है, तो आपका जो है यहां पर ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक्सक्लूड का क्या बताना है, ऑपोजिट बताना है कि एक्सक्लूड का ऑपोजिट क्या है। तो एक्सक्लूड का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड का क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाई डोरमेंट है, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है लाई, ठीक है। लाई का अर्थ होता है झूठ, ठीक है, लाई जिसमें यहाँ पर एक शब्द जोड़ा गया है जो कि डोरमेंट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। इसका जो सिमिलर जो वर्ड है वो क्या रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर ये शब्द रहने वाला है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर लाई डोरमेंट यानी सोए हुए पड़े रहना, इसका जो पूरे का जो अर्थ है वो होता है सोए हुए
हुए पड़े रहना, तो यहाँ पर इसका जो सिमिलर होगा या तो हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा, इसका जो सिमिलर वर्ड है जो क्या हो जाएगा रिलैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सभी के सामने एक सेकेंड पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखो क्वेश्चंस को आपको आसानी से समझना है फिर आपको करना है, और सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो सेक्शन ए है उसी को करना है, ठीक है, उसी को अपने आंसर शीट में हल करना है, उसके बाद आप सेक्शन बी को करिए, ठीक है, ये मेरी यहाँ पर आपको आपके लिए एक एडवाइस रहेगी। फिर आपको यहाँ पर सेक्शन डी को करना है, यानी सेक्शन जो सी है वो यहाँ पर ग्रामर वाला रहने वाला है, जिसको सबसे आपको लास्ट में सॉल्व करना है। टू रिटर्न देयर फोर टू वियर आई बेगन इफ योर हॉरिजन गाइज गर्ज एज फार एज श्रीनगर इन द नॉर्थ एंड कैमोरिन इन द साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ दिया गया है, यहाँ पर क्षेत्रों की डिटेल दी गई है, तो विच लैंग्वेज कांट बी अवर लिंगुआ फ्रांसा एंड विच लैंग्वेज डिड द ऑथर रियली फेवर एज नेशनल लैंग्वेज अबाउट लैंग्वेज वेयर डज द ऑथर वॉन्ट टू रिवर। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए, इन सभी का आंसर आपको पैसेज में आसानी से मिल जाएगा, बस आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं मीन्स बता देता हूँ, यहाँ पर जो दो क्वेश्चन से इनको अच्छी तरीके से करिएगा, और इनको यदि आपको जैसे आपने पहले सेक्शन ए कर रहे हो और सेक्शन में ऐसे शब्द आ गए जिनको आपको नहीं आ रहा है तो उसको एक बार रहने दे, उसको लास्ट में करें। ठीक है, लास्ट में जो है आप कर सकते हो, तो लेकिन आपको पहले नहीं करना है। यहां पर आपको हड़बड़ी में आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, जो आपका आ रहा है वो पहले करें, ये मेरी राय आपको पता जो याद रखनी है, जो आपको आ रहा है ना उसको पहले करें, उसके बाद जो बस रहे ना उसको रहने दे, फिर आप जब लास्ट टाइम रहे आपके पास एक घंटा तो उसको आप करें। सभी प्रश्नों को सॉल्व करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न हल जरूर करें, लेकिन आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर शीट में सीक्वेंस नंबर का विशेष ध्यान रखें क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। देखो स्काईलाइन, स्काईलाइन का अर्थ होता है क्षितिज, क्या हो रहा है क्षितिज, और यहां पर पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ क्षितिज है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर एक शब्द आया था सबसे ऊपर के हमने पैराग्राफ को जब रीड किया था तो यहां पर होरिजन आया था, तो होरिजन इसका क्या हो जाएगा सिमिलर वर्ड हो जाएगा, ओरिजिन का अर्थ होता है सिटीज। एब्यूज का अर्थ होता है यहां पर गाली देना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो यहां पर या तो हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ यानी सही से बोलना, ठीक है, सही से यहाँ पर वार्तालाप करना, उसको लेकर यहाँ पर एक शब्द दिया गया होगा जो कि काफ़ी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, पैसेज में आपको पूरा का पूरा रीड करना होगा, यानी ऐसा कौन सा शब्द होता है, ठीक है, जो कि हमें से यहाँ पर शुरू होगा कुछ ऐसे करके जो शब्द होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने क्वेश्चन है, उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है, अंतिम पेपर है, क्योंकि अंतिम क्षणों की तैयारी है। ये कैसी तैयारी है, अंतिम क्षणों की तैयारी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तैयारी है आप सभी के लिए। अब जितना पढ़ना था पढ़ लिया, जो भी आपने पढ़ा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बना है और उसी हिसाब से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आपको किस प्रकार से टैगल करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया है उसको आपको ध्यान में विशेष ध्यान में रखना है। आपने आई होप आपने ईमेल जो लेटर है उसका स्ट्रक्चर पता कर लिया होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेजिन दैट यू आर पूरा या प्रिया, इसी नाम को यूज करना है आपको लेटर में, और फिर स्किल राइट एंड एप्लीकेशन द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज वन पीरियड ऑफ इंप्रूव हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट ऑन नो बैक डे, यानी नो बैक डे जो है उस दिन जो है यहाँ पर रहता है उस पर एक अटेंड करना है, एक प्रोग्राम अटेंड करना है जो कि यहाँ पर है कि इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग ऑन द स्टूडेंट, स्टूडेंट की जो हैंड राइटिंग को सुधार के लिए उसका जो यहाँ पर एक पीरियड लगाना है, तो इसके लिए जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट करनी है प्रिंसिपल को, तो क्या लिखना है एक लेटर लिखना है जो कि एक फॉर्मल प्रकार का लेटर लिखा जाएगा। यू आर प्रकाश जैन राइट एन ईमेल टू न्यूज चैनल कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंकिंग इट फॉर ए वेरी गुड टॉक इट टेलीकास्ट ऑन द यूजेस ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर एक ईमेल लिखना है, तो यह भी एक प्रकार का कैसा ईमेल हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा, जिसमें आपको टू सी सी बी सी सी, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टू में आप किसी भी प्रकार के अपने हिसाब से यदि ईमेल दी हुई है तो ठीक है, नहीं अपने हिसाब से कोई ईमेल बना सकते हैं, उसी प्रकार सी सी और बी सी सी को ब्लैंक रखें, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और फिर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन तैयार करके लिखना होगा। अब आपको क्या करनी है, स्टोरी राइट करनी होगी, क्या लिखनी होगी, स्टोरी राइट करके जो है यहाँ पर लिखनी होगी, जो भी यहाँ पर इसमें जो है मेन आपको
यहाँ पर टाइटल पता होना चाहिए, टाइटल यहाँ पर पता करना है, फिर आपको नीचे जो यहाँ पर मोरल लिखना है। यदि आपने टाइटल और जो मोरल आपने नहीं लिखा तो आपके दो नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, चाहे आपने पूरी स्टोरी को राइट किया है। ठीक है, तो छोटी छोटी विशेष बातों का ध्यान रखना है, तभी आपका एग्जाम का जो पेपर है वो काफी बेस्ट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक पैराग्राफ दिया होगा, इस पैराग्राफ को इमेज करके आपको क्या बताना है, यहाँ पर उसकी जो यहाँ पर जो भी चलचित्र है, जितने भी यहाँ पर उससे बातें जो दर्श रही है, इसको आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो विशेष इन सभी अच्छे से करना है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया जाएगा योगा एंड हेल्थ का, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, जो कि 16 वर्ड्स की उसकी क्या रहेगी, लेंथ होगी। सेक्शन सी को जो है सबसे आपको लास्ट में करना है, क्योंकि ये ग्रामर वाला जो सेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो ए मदर हर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसकी जो मदर है क्या करती है, मदर जो है यहाँ पर उसके चिल्ड्रन को प्यार करती है, तो यहाँ पर कौन सा जो है यहाँ पर वर्ड आ जाएगा, लव जाएगा, लव आएगा, लविंग आएगा या फिर लव्ड आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, और ये इंडिफिनाइट जो है यहाँ पर इंडिफिनाइट जो टेंस को क्या कर रहा है, दर्शित कर रहा है, तो यहाँ पर लव्स इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए लॉट ऑफ लव। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सी कंप्यूटर सिंस जनवरी, यदि कार्य बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, सी हैव बीन लर्निंग, क्या हो जाएगा, सी हैव बीन लर्निंग, इसका जो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए गए, बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्टिविटीज का ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रानी, ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो शब्द आया है बहुत और यहाँ पर एंड, यहाँ पर ये दोनों शब्द आया है, तो ये जो है यहाँ पर कहाँ पर यूज होंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से यूज होंगे, रानी एंड कमला हैज ए डॉग, बहुत हैज ए डॉग, यहाँ पर इस प्रकार से आप जो है इनको यूज करेंगे, सबसे पहले एंड यूज होगा, उसके बाद बहुत यूज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस वायर इज वेरी हार्ड, वी कैन नॉट मेक इट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आपका जो वाक्य इस प्रकार से बनेगा, जो कनेक्टिविटी दी गई है सो दैट वाले, तो सबसे पहले बनेगा दैट दिस वायर इज वेरी हार्ड एंड सो वी कैन नॉट मेक इट स्ट्रेंथ, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन कनेक्टिविटीज को यूज कर सकते हैं। फिर आपको प्रोनाउंस यूज करना है, इनमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको नहीं आ रहा है तो सबसे लास्ट में रखें उसको, आप फिर लास्ट में करिए। ठीक है, इन सेक्शन सी पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि 15 मार्क्स का है, और सिर्फ 15 मार्क्स जो है उसके लिए आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन डी को जो यहां पर आवश्यकता नहीं है, आप सबसे पहले सेक्शन यहां पर ए को करें, उसके बाद बी को करें, उसके बाद सबसे सेक्शन डी को करें, और जितने भी टेक्स्ट बुक के जितने भी जो क्वेश्चन है उनको अच्छे से सॉल्व करें। अभी आपके पास समय बहुत ही कम है, उसके लिए मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगा, अच्छे से आपको यहां पर क्या करना है, दो तीन ऐसे मॉडल पेपर जो अपनी गाइड्स में, उनको यहां पर रट डालिए, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो भी। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक पैसेज दिया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं इफ यू, यहाँ पर मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन एव्यू एज अ स्पेक्टुकुलर एरे द साइट अफ्रीकन जेट्स हेलीकॉप्टर एंड ट्रूप्स कैरियर रोरेड इन परफेक्ट टॉर्मिनेशन अवर द, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बिल्डिंग, इस प्रकार से कुछ पैसेज दिया गया है, और इसके जो यहाँ पर मैं सिमिलर वर्ड जो है यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ, तो स्ट्रिकिंग और वंडरफुल का अर्थ होता है आश्चर्यचकित, और इसका एक वर्ड आया होगा अमेजिंग, जो कि दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फेथलेसनेस, ठीक है ना, फेथलेसनेस जो है इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो फेथलेसनेस ऑपोजिट जो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसी पैसेज में आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको अच्छे से क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर रीड करना है, ठीक है, कि इसका जो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जिनको आप क्या करेंगे, सेंटेंस से आप पता कर पाएंगे कि ये सेंटेंस क्या जो यहाँ पर हिंदी अर्थ निकल रहा है, तो उसके हिसाब से आपका जो ऑपोजिट है वो आपका निकल कर आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक पैसेज ही दिया गया है, इसका जो यहाँ पर कंटिन्यू है, इस कंटिन्यू का जो यहाँ पर एक मीन्स होगा वो हो जाएगा प्रशिष्ट होगा, प्रशिष्ट यानी जारी रखना, और यहाँ पर डिपार्शर का हो जाएगा प्लेस, ठीक है, डिपार्शर का हो जाएगा प्लेस, इस प्रकार से यहाँ पर आपके इनके क्या रहेंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न रहने वाला है, तो यहाँ पर कैरेक्टर वाला आपके 100% क्वेश्चन आ सकता है, ए लेटर ऑफ गॉड से यहाँ पर कि लैंसो का जो यहाँ पर कैरेक्टर है वो यहाँ पर क्या करना है आपको ड्रॉ करना है, यानी कुछ बातें आपको लिखनी होगी।
इबेकर फ्रॉम गोवा, हाउ डज ए बेकर लुक इन अपीयरेंस। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये मॉडल पेपर आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी की दो तीन जो मॉडल पेपर है, इनकी मैं PDF जो है यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल, अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिए और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जरूर जान लीजिए। ठीक है, अब आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये भी मैं आप सभी को बता दूंगा। वैसे मैंने पहले डिस्कशन कर रखा है लेकिन अभी मैं आप सभी को बता दूंगा। अभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जितने भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है राजस्थान बोर्ड 10th क्लास बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड में, उनको जरूर जान लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी, वहाँ पर मैं ये सभी जो है PDF आपको शेयर कर लूँगा। क्योंकि अब अंतिम जो तैयारी थी उसको हमने यहाँ पर दशा और दिशा दे दी है और अब आप जो है, आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। जितने भी आपने पढ़ाई की थी, जितनी भी आपने मेहनत की, उसी के हिसाब से जो है आपको स्कोर बनने वाला है। और हमारे द्वारा पूरी के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे वो सभी करवाए गए हैं। बाकी आप जो है अच्छे से सभी क्वेश्चंस को टैगल करना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए,